नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको दो ऐसे कॉमेडियन जिन्हें सुद्धू और बुद्धू उनकी साधना बताने जा रहा हूं। सुद्धू और बुद्धू की साधना के 3-4 मंत्र हैं, मेरे पास 2 मंत्र हैं, 2 और मंत्र हैं जो मेरे पास अभी हाल में उपस्थित नहीं है, वो भी प्राप्त हो जाएंगे। ये साधना 21 दिन की साधना है। सिद्ध काले सुलेमानी हकीक से साधना सिद्ध होती है और इस साधना में मजाक बहुत चलता है। सुद्धू बुद्धू अपने साधक के साथ बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। ये साधना विपरीत ध्रुवों की साधना है। विपरीत ध्रुवों की साधना का मतलब क्या है कि एक जिन ऐसा है जो आपका हर अच्छा काम करेगा, दूसरा जिन ऐसा है वो जो अच्छा काम करेगा उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो इसका एक तोड़ है, वो तोड़ आदमी को आना जरूरी है। बुद्धू का नियम है वो मूर्खतापूर्ण काम करेगा, इसीलिए उसका नाम बुद्धू है। और सुद्धू का नियम है वो सीधे यानी अच्छे काम करेगा, इसलिए उसका नाम सुद्धू है। इसके आपने सुद्धू को कह दिया कि जाओ किसी गरीब की बेटी का विवाह है उसमें जाके मदद करो, उसको 5 लाख रुपए की कहीं से व्यवस्था करवाओ। वो जाएगा 5 लाख रुपए की व्यवस्था करवाने, बुद्धू जाएगा उसके साथ साथ और 5 लाख का नुकसान करके आएगा। उस समय क्या होता है, बुद्धू का नियम होता है बुद्धू हमेशा उल्टे काम करेगा। और इनकी सिद्धि भी बड़ी गजब की होती है। साधना घर में होती है, साधना छत पे होती है, साधना खिलवत में एकांत में कर सकते हो, लेकिन जहाँ साधना करते हो सिद्धि वहाँ नहीं होती है। साधना कर ली रात को, 133 मंत्रों का जाप करना होता है, मंत्रों का जाप कर लिया रात को, मंत्रों का जाप करने के बाद में आपको जंगल में जाना होता है, जंगल में जाकर के वो मंत्र पढ़ो तो आपको कहीं से आकर के एक गेंद आपके पास पड़ेगी, या कपड़ा आपके ऊपर पड़ेगा, या कोई कचरा आपके ऊपर पड़ेगा, या फिर कुछ भी आपके ऊपर आके कोई कुछ गिरेगा, ऐसा हल्का सा गिरेगा आपको चोट नहीं लगेगी, सिर्फ इंडिकेशन होगा कि बस इधर आ जाओ, इंडिकेट करने के लिए कि इधर आ जाओ। उस साइड में आपको जाना है, जैसे जैसे उस साइड में जाओगे मंत्र बोलते बोलते वैसे ही आपको एक छाया, एक शकल, एक रूप, एक आदमी जैसा कुछ दिखाई देगा और काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, बहुत विशाल का होगा, वो आपको दिखाई देगा, वो सुद्धू होगा। सुद्धू बोलेगा कि क्यों बुलाया मुझे, किस लिए बुलाया, क्या काम बुलाया, तो आपको उसको कहना है कि मैंने आपको इस काम बुलाया, ये काम है। वचन तय कर लें भाई, जब बुलाऊँ आना पड़ेगा, ये जो भी वचन होते हैं वचन तय कर लें, वो भी अपने 2-4 बातें आपको कहेगा, उनको भी मानना होता है। अब जैसे ही आप जाने लगोगे वैसे बुद्धू पीछे से आपको वार्न करेगा, रुको रुको मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो, मेरे भी वचन दो, मेरे भी वचन लो। तो आप कहोगे तुझे भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ तुझे भी, इसको बुलाऊँ तुझे भी आना पड़ेगा, सुद्धू को बुलाऊँ बुद्धू को भी आना पड़ेगा। बोले हाँ आऊँगा। बोले ये जो भी काम करेगा आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी उसका, मतलब वो बोलेगा ना नहीं नहीं ये जो भी काम करेगा मैं उसका उल्टा करूँगा। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है उल्टा कर देना, लेकिन वो उल्टा जो मैं बताऊँ वो करना, तुमको उल्टा काम करना है, तुमको हर काम बुरा करना है, मैं तुमको बुरा काम दूंगा, इसको मैं जब काम दूँ तब तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके मेरी तरफ ध्यान दोगे, मैं तुम्हें जो गलत काम बताऊँ वो गलत काम तुमको करना है। बोले ठीक है मैं गलत काम करूँगा। अब सुद्धू को आपने काम पे लगा दिया, इधर सुद्धू को काम पे भेजा आपने, किसी भी काम से भेजा, इधर आप बुद्धू को कहना पड़ेगा आपको कि ले अब ये काम कर, तो ये सब मटकियाँ पड़ी है ना मेरे पास, इनको तोड़, या जो कुआ है इस कुएं में ये पत्थर डाल और वापस निकाल, पत्थर डाल और वापस निकाल। वापस निकालने का काम तो वो करता नहीं है, अगर वापस निकालने से मना कर दिया तो बोलना कि एक एक पत्थर उठा, ये पत्थर है अरब से, तेरे को पत्थर लेके आना है अरब से, अरब देश से, अरब देश से एक पत्थर लेके आ, वो पत्थर ला करके इस कुएं में डाल दे, छोटा सा पत्थर लाना, पत्थर की साइज एक कंकर से ज़्यादा नहीं होनी, इतने से बड़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अरब देश से पत्थर लेके आ और ये पत्थर ला करके इस कुएं में डाल दे। अब वो अरब देश से पत्थर लेकर के आएगा कुएं में डालेगा, और इस प्रकार से जब तक वो शुद्ध वापस नहीं आए तब तक डालता रहे, तो इस प्रकार से वो आपका काम करेगा, तो शुद्ध अपना काम करके अच्छा काम करके वापस आ जाएगा, तब तक वो अपना काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे फिर चले जाएंगे। इस प्रकार से इनकी साधना होती है। इनकी साधना करने से पहले साधक को, हिंदू है या मुसलमान है कोई भी है, हिंदू है तो उसे
किसी मज़ार में जा करके 101 रुपये की रेवड़ियाँ चढ़ा करके और वो रेवड़ियाँ गरीबों में बांट देनी होती है, फिर साधना शुरू होनी होती है। साधना शुद्ध बुद्ध की साधना नवचंदी जुम्मे रात यानी बुधवार शुक्ल पक्ष के बुधवार की रात से शुरू होगी। 21 या 42 दिन तक ये साधना करनी पड़ सकती है। 21 दिन में सिद्ध हो गई तो ठीक है, नहीं तो 42 दिन तक करनी पड़ सकती है। साधना में एक तस्वीर रहेगी आपके पास 101 दानों की, 108 की आती है काट करके उसको और 101 की बना लेना, और आपको 133 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ता है। इस साधना में आपको 11 या 21 बार दरूद शरीफ ऐसा पढ़ करके अपने चारों तरफ घेरा वेरा लगा लेना, किसी आलम से पूछ लेना और अच्छी तरह से घेरा वेरा लगा करके साधना में बैठना। इसमें कोई ज़्यादा भोग भाग कुछ है नहीं, बस सीधा बैठो और साधना करो, इतना ही नियम है। धूप लगा देना, और इस साधना में बढ़िया क्वालिटी का इत्र होता है, मजमुआ होता है या कोई भी बढ़िया उद का इत्र होता है या कोई भी बढ़िया इत्र लेना, टॉप का इत्र जो 24 घंटे आपके शरीर पर लगा रहना चाहिए, और आपके एक वस्त्र में जिसे अहराम आदि कहते हैं उसी एक वस्त्र में बैठ करके आपको साधना करनी पड़ती है। बहुत अच्छी साधना है, बहुत टॉप की साधना है, लेकिन समझदारी इस साधना में बहुत चाहिए। थोड़ा सा चूक गए तो सामने वाले का या खुद का नुकसान कर सकते हो, क्योंकि बुद्धों का तो काम यही निर्बुद्धि के काम करना, तो उल्टे सीधे काम करना सब बुद्धों का काम है। वो शुद्ध के साथ में चिपका हुआ है, तो शुद्ध के जब तक वो साथ में चिपका हुआ है शुद्ध की गति तेज़ रहेगी, तो गति तेज़ रहेगी लेकिन आपका नुकसान नहीं रहे, इसलिए बुद्धों को आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना और इस प्रकार से साधना कीजिएगा। आप आराम से साधना में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बहुत बढ़िया साधना है। इसके 2-3 मंत्र हैं, मैं आपको एक मंत्र उसमें से बताता हूँ। मंत्र है या शुद्धु आशुद्धु जा शुद्धु, आशुद्धु जा शुद्धु घेर घार के ला बुद्धु, आशुद्धु जा शुद्धु घेर घार के ला बुद्धु बिह की ओ ओम हो ओम रहीम नसरीम बरीम। बस ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके आप शुद्ध बुद्ध को प्राप्त कर सकते हो, और उनकी शक्ति के द्वारा कोई काम होता है तो वो भी कर सकते हो। धन दौलत का भी ये काम करते हैं, पैसा वैसा लाने आदि का भी बहुत बहुत काम करते हैं, सट्टे जुए के भी नंबर बता सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनसे लिए जा सकते हैं। आप पूछोगे तो आपको बता देंगे मैं फलाने फलाने काम आराम से कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप काम करवा करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, और आपका जीवन धन्य तो दूसरों का धन्य अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।